वक्त की बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां प्राथमिक विद्यालय परमापुर के अंदर शराब के नशे में धुत अर्धनग्न पड़े प्रधानाचार्य का वीडियो वायरल हो रहा है। शराबी प्रधानाचार्य का यह रूप देखकर विद्यार्थी भयभीत हो गए और स्कूल छोड़कर भागने लगे। विद्यार्थियों ने घर पहुंचकर अभिभावकों को प्रधानाचार्य के नशे की हालत में स्कूल में पड़े होने की सूचना दी। आपको बता दें कि स्कूल में अभिभावकों के पहुंचने पर शराब के नशे में धुत प्रधानाचार्य ने भागने का प्रयास किया। स्कूल से भागने के प्रयास में प्रधानाचार्य बाइक समेत जमीन पर गिर गया। मैं तुम्हारा अमरीश कुमार। अच्छा, क्या समस्या है जो प्रधानाचार्य शराब के नशे में घूम रहे हैं कि आप लोग बता रहे हैं? समस्या है, प्रतिदिन देखता हूँ, कभी कभी बच्चे डर के भाग जाते हैं दारू पी के। मान लीजिए कभी कभी तो कर रोज भी दारू पी के आते हैं। अच्छा। लेकिन कभी ज्यादा कभी कम। आज अच्छा। इतनी दारू पी ली है कि समस्या बहुत ज्यादा ही बढ़ गई और बच्चे भी घबरा गए हैं और इधर उधर कच्छा उतार के पैंट उतार के और इधर उधर घूम रहे थे और स्कूल में लौट रहे थे और बच्चे भाग गए इसीलिए देख के। अच्छा। तो क्या आए दिन ऐसी शराब पीते हैं? आए दिन ऐसी शराब पीते हैं, पौवे भी पड़े रहते हैं, कभी कभी लड़कों ने देखा है। अच्छा, इस शिक्षा के मंदिर में गुरुजी शराब पी कर आते हैं? हाँ जी। अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया? नहीं किया गया। तो खाना पड़ा हुआ है, ये क्यों फेंका गया है? अब बच्चे डर की वजह से भाग गए, बच्चों ने खाया ही नहीं। अच्छा, बच्चों ने खाया नहीं, तभी फेंका किसने है? बच्चे ही भाग गए, बच्चे छोड़ के भाग गए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रमों के क्रम में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में पुलिस जवानों व आम जनमानस के साथ कस्या में तिरंगा रूट मार्च सफलतापूर्वक निकाला गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, जहां विकास खंड माधवगंज के नगर पंचायत कुरसठ मोहल्ला राजेंद्र नगर में ज्योति बाल विद्या मंदिर में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के युवा नेता सत्यम सिंह कन्नौजिया ने पहुंचकर ध्वजारोहण किया एवं बच्चों की शिक्षा परखी। शिक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने कहा कि यह सब यहां के विद्यालय के अध्यापकों की मेहनत है। विद्यालय में मौजूद प्रबंधक जयराम सिंह ने कहा कि हमारे विद्यालय के पढ़े बच्चे आज बड़े बड़े अधिकारी बनकर अपने गाँव विद्यालय व अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है ललितपुर से, जहां पर महरौनी के ब्लॉक से प्रारंभ हुई तिरंगा रैली। इंदिरा चौराहे पर वंदे मातरम के नारे लगाए गए, उसके बाद मुख्य बाजार होती हुई राजेंद्र पार्क पर रैली संपन्न हुई, जिसमें राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, कैलाश निरंजन, टीटू पटेरिया, आशुतोष सेंगर, दीपक तिवारी, नगर अध्यक्ष कृष्णा सिंह, रवि खरे आदि लोग उपस्थित रहे। रांची से, जहां आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुरानी राय ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में विद्यालय के बहन और भाइयों ने तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ पुरानी राय, रेलवे कॉलोनी, गुनागढ़ा, चूना भट्टा आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर विद्यालय पहुंचकर इसका समापन किया। तिरंगा यात्रा में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर निकाली गई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुरानी राय से तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा यात्रा को लेकर आप लोगों ने क्या क्या तैयारी किया था और इस तिरंगा यात्रा में आप लोग और विद्यालय परिवार की ओर से पूरे तमाम देशवासियों सहित कोलांचल वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुरानी राय से
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75वीं स्वतंत्रता दिवस को जन जन तक तिरंगा का गौरव का भाव जगाने के लिए विद्यालय के मुख्य द्वार से होते हुए निर्मल महतो चौक पुरानी राय चुना भट्टा होते हुए विद्यालय प्रांगण में समाप्त हुआ। उद्देश्य है कि हमारा देश आज़ादी का 75 वर्ष पूरा कर लिया है, इसको इस 75 वर्ष को जश्न के रूप में मनाने के लिए घर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हम लोग आज तिरंगा यात्रा अपने विद्यालय से निकाले, इसमें 725 भैया बहन दोनों हाथों में तिरंगा को लहराते हुए वंदे मातरम की जय और भारत माता की जय बोलते हुए अपने आप को तिरंगा के प्रति गौरव का भाव प्रदर्शित किया और लोगों में तिरंगा के गौरव के भाव को जगाने का भी प्रयास किया हमारे छोटे छोटे भैया बहनों ने। समिति के सदस्य भी इस यात्रा में शामिल थे, सभी आचार्य जी दीदी जी इस यात्रा में शामिल थे। तो इस यात्रा के माध्यम से हम अपने विद्यालय के आसपास जितने भी अभिभावक हैं और कोयलांचल के जितने अधिकारी हैं, किसान मजदूर व्यवसाय के लोग, सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि हर घर तिरंगा का गौरव का भाव बढ़ाने के लिए अपने छतों में तिरंगा लगाएं। और तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।